हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड 800 सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एडोब फोटोशॉप का टॉप 200 प्लस का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी 100 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसे प्लेलिस्ट में जरूर देख ले। ये पार्ट थ्री में डालूंगा कि 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है। ठीक है, सभी परीक्षाओं में फॉरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम में होते हैं फोटोशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में उत्तर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें दोस्तों, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। एक से एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेटर यूजेज डॉट पर इंच एज इट्स वेक्टर इमेज यूनिट, फोटोशॉप यूजेज पार्ट पर इंच। इलस्ट्रेटर पर अपनी छवि को इकाई के रूप में डॉट पर इंच का उपयोग करता है, फोटोशॉप पार्ट्स प्रति इंच का उपयोग करता है। इसका ऑप्शन है डीपीआई पीपीआई, पीपीआई डीपीआई, एपीआई डीपीआई, डीपीआई एपीआई। जिसका सही आंसर हो जाएगा डीपीआई पीपीआई, यानी डॉट पर इंच होता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी वेक्टर ग्राफिक्स में काम करते हैं तो इमेज पे वो डीपीआई पे होता है। ठीक है, यानी डॉट पर इंच होता है इसका फुल फॉर्म। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक से दो क्वेश्चन। इन कंपेरिजन टू द वेक्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक कंसिस्ट ऑफ डैश, वेक्टर ग्राफिक कंसिस्ट ऑफ पाथ, दे आर डैश बेस्ड ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स की तुलना में रास्टर ग्राफिक्स डैश होता है, वेक्टर ग्राफिक्स की पथ शामिल है, वो डैश आधारित ग्राफिक्स है। इसका ऑप्शन है पिक्सल पाथ, पाथ पिक्सल, पिक्सल डेटा सेट्स पिक्सल। इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सल पाथ, यानी पिक्सल जितने भी हम लोग रास्टर और वेक्टर ग्राफिक जितने होते हैं वो सब पिक्सल बेस पे बना होते हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक से तीन क्वेश्चन। फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप यूज फॉर नेक्स्ट लेवल एडिटिंग एंड अदर ग्राफिकल टास्क, वेयर एज फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक डैश इज फॉर द मैनेजिंग एंड एडिटिंग फोटोज। फोटोशॉप जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग अगले स्तर के संपादन अन ग्राफिकल कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि डैश जैसे फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग फोटो को संपादित और संपादित करने के लिए किया जाता है। जिसका ऑप्शन है कनवा, लाइटरूम, इलस्ट्रेटर, नन ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा लाइटरूम। फोटो एडिटिंग जो होता है कहाँ किया जाता है, लाइटरूम में किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 104 क्वेश्चन। Which of the following is are the advantage of using affinity photo? Affinity photo का उपयोग करने का उनमें से कौन सा लाभ है? इसका ऑप्शन है powerful live preview and supported unlimited layers, user friendly, all of the above। इसका सही आंसर हो जाएगा all of the above। इन तीनों चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, powerful live preview and supported भी कर सकते हैं, unlimited layer भी ले सकते हैं और user friendly भी है। ठीक है, ये इसका आंसर हमारा D हो जाएगा। 105 क्वेश्चन। हाउ मनी लेयर डू वी नीड टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क? क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए हमें कितनी परतों की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जिसका सही आंसर हो जाएगा दो होती है। ठीक है, मतलब क्लिपिंग मास्क लेयर बनाने के लिए हमको कितने परतें की जरूरत होती है, दो होती है, यानी कि एक ओवरलैप करके इसको मास्क बनाया जाता है, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 106 क्वेश्चन। लेयर और ग्रुप डैट कंटेन डैश और क्लिप्ड इंसर्ट अनदर लेयर और ग्रुप। जिन परतों या समूह में होता है उन्हें दूसरी परत या समूह के अंदर क्लिप दिया जाता है। जिसका ऑप्शन है मास्क क्लिपिंग, क्लस्टर मास्क, नन। जिसका सही आंसर हो जाएगा क्लिपिंग मास्क, मतलब कि जो भी हम लोग करते हैं लेयर ग्रुप, लेयर और ग्रुप कंटेन करते हैं तो इंसर्ट जो दिया जाता है उसको क्लिपिंग मास्क बोलते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 107 क्वेश्चन। When editing a low resolution image does occur when the edges of the object are stepped? कम रिजोल्यूशन वाली छवि को संपादित करते समय तब होता है जब ऑब्जेक्ट के किनारों को स्टेप दिया जाता है। इसका ऑप्शन है एनालाइजिंग, एंटी एनालाइजिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा एनालाइजिंग। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए है। 108 क्वेश्चन। द फेदरिंग टेक्निक डैश द एज ऑफ द सिलेक्शन। पंख लगाने की तकनीक को चयन करने के किनारों को करती है। इसका ऑप्शन है सॉफ्टेंस, ब्लर्स, बोथ ए एंड बी,
नन ऑफ द एबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी, यानी सॉफ्ट एंड कब यूज करते हैं हम लोग, ब्लर कब यूज करते हैं ताकि फिदरिंग आपको पता नहीं चले, जब हम किसी इमेज को काटते हैं तो फिदरिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, इसके इसको कटा हुआ हमको दिखे नहीं, इसलिए हम लोग ब्लरिंग और सॉफ्ट एंड दोनों को यूज करते हैं, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 109 क्वेश्चन, चूज द लेयर डेट यू वुड लाइक टू एट द ड्रॉप शैडो फॉर ए क्लिक एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैनल, वह परत चुने जिसके लिए आप ड्रॉप शैडो जोड़ना चाहते हैं और लेयर पैनल के नीचे परत क्लिक करें, जिसका ऑप्शन है FX, FT, FA, FP, जिसका सही आंसर हो जाएगा FX, FX करके हम लोग क्या करते हैं लेयर पैनल जोड़ते हैं, यानी कि इसका आंसर हमारा A हो जाएगा। 110 क्वेश्चन, हाउ टू एड इमेज इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में इमेज कैसे जोड़ें, इसका ऑप्शन है ड्रैग द इमेज, यूज ओपन फीचर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ड्रैग द इमेज भी करना पड़ेगा यानी पेज पे लाना पड़ेगा और उसमें यूज ओपन द फ्यूचर, जो फ्यूचर है उसका यूज करके हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 111 क्वेश्चन, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में लाइन कैसे बनाए, इसका ऑप्शन है यूज लाइन टूल का यूज करके, यूज पेन टूल का, यूज ब्रश टूल का, ऑल ऑफ द एबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों चीज को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, लाइन भी, पेन टूल भी और ब्रश टूल भी, इन तीनों को यूज करके हम लोग ड्रॉ द लाइन कर सकते हैं इन फोटोशॉप में, ओके, जिसका आंसर आ जाएगा डी। 112 क्वेश्चन, हाउ टू डू मल्टीपल स्टेप अंडू इन फोटोशॉप इन विंडोज ओएस, विंडोज ओएस में फोटोशॉप मल्टीपल स्पेस स्टेप्स को कैसे पूर्ववत करें, इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, नन ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, करने से क्या होगा ये अंडू का काम करता है, यानी कि अल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो वन स्टेप बैक ऐसे करके आएगा, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 113 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोटोशॉप फिल्टर, निम्न में से कौन सा फोटोशॉप फिल्टर है, इसका ऑप्शन है डैम्पिंग सेपिया, हाई पास शार्पन, ऑल फोटोशॉप एक्शन, ऑल ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ड्रामेटिक सेपिया भी कर सकते हैं, हाई पास भी, शार्पन भी कर सकते हैं, ऑल फोटो एक्शन भी कर सकते हैं, सारा काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जिस फिल्टर के अंदर, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। 114 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस टूल इज यू कॉल्ड पेंटिंग टूल्स, इनमें से किस उपकरण को पेंटिंग टूल कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है पेंसिल टूल, ग्रेडियंट टूल, ब्रश टूल, ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रश टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं पेंटिंग टूल भी कर सकते हैं, यानी पेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 115 क्वेश्चन, इन फोटोशॉप अलाउ ऑब्जेक्ट टू द वर्क ऑन द इमेज ऑब्जेक्ट विदाउट एनी टेस्टिंग एनी अदर इमेज, इसका ऑप्शन है फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट को किसी अन्य छवि का परीक्षण किए बिना एक छवि ऑब्जेक्ट पर काम करने का अनुमति देता है, जिसका ऑप्शन है पायलट, टूलबॉक्स, लेयर्स, नन ऑफ दिस, इसका सही आंसर हो जाएगा लेयर्स, लेयर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं टेस्टिंग एंड एनी इमेज को इमेज करते हैं यानी कि सेट करते हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 116 क्वेश्चन, द शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फ्री ट्रांसफॉर्म बॉक्स, निःशुल्क ट्रांसफॉर्म बॉक्स को सक्रिय करने का शॉर्ट कुंजी क्या होता है, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस बी, शिफ्ट प्लस बी, टी, जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टी से हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर करके रिसर्च कर सकते हैं हम लोग किसी भी इमेज या जो भी सिलेक्टेड ट्रांसफर हम लोग जिसको किए हैं उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेट कर सकते हैं इन ट्रांसफर करने के लिए, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 117 क्वेश्चन, द की टू प्रेस व्हेन यू यूजिंग द क्लोन स्टैम्पिंग टूल, क्लोन स्टैम्पिंग टूल का उपयोग करते समय दबाई जाने वाली कुंजी क्या है, जिसका ऑप्शन है क्लोन का हम जब भी क्लोन स्टैम्पिंग टूल यूज करते हैं तो कौन सा शॉर्ट के उसके साथ दबाते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल कंट्रोल प्लस अल्ट, जिसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट के साथ हम लोग माउस को क्लोन स्टैम्प टूल यूज करने के लिए अल्ट के साथ माउस क्लिक करते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 117 का ए हो जाएगा, ठीक है। 118 क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू द एक्टिवेट द पेन टूल, पेन टूल को सक्रिय करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, जिसका ऑप्शन है MNOP, जिसका सही आंसर हो जाएगा पी प्रेस करते ही हमारा क्या होगा पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा, इसका 118 का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा पी, यानी कि इसका आंसर डी है, ठीक है। 190 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किट एडोब फोटोशॉप,
माइक्रोसॉफ्ट ने एडोब फोटोशॉप बनाया, ये ट्रू या फॉल्स है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस बनाया, एडोब नहीं बनाया, ठीक है? इसका आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। 120 क्वेश्चन, द इमेज टाइटल बार स्टेटस द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, छवि को शीर्षक पर एप्लीकेशन का नाम बताता है, ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स है, छवि का एप्लीकेशन का नाम नहीं बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 121, द टूल बॉक्स इज लोकेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंटरफेस एंड हाउसेस मेनी टूल्स दैट आर रिविजेबल एंड हिडन। टूल बॉक्स इन इंटरफेस के बाएं ओर स्थित है और इसमें कई उपकरण हैं जो दृश्यमान और छिपे हुए हैं, जिसका ये आंसर सही है, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ट्रू है, यानी कि टूल बॉक्स इंटरफेस बाएं ओर स्थित है, बाएं ओर रहता है टूल बॉक्स, जब भी हम लोग फोटोस ओपन करते हैं देखिएगा बाएं ओर रहता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी ट्रू है, ठीक है। 120 क्वेश्चन, द डिफॉल्ट कलर फॉर द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर आर द ब्लैक एंड व्हाइट, अंग्रभूमि और पृष्ठभूमि रंगों के लिए डिफॉल्ट रंग काले और सफेद हैं, ये ट्रू या फॉल्स है? जब हम लोग कोई भी देखते हैं जो टूल्स के नीचे में होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है, वो सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स है? तो ये क्या है, सही है, ठीक है, इसका आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 123 क्वेश्चन, एवरी टूल कैन बी एक्टिवेट बाय द लेटर की स्ट्रोक, प्रत्येक उपकरण को एक अक्षर कुंजी स्ट्रोक द्वारा सक्रिय किया जा सकता है, ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स है, एवरी टूल को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता लेटर के थ्रू, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। 124 क्वेश्चन, ओनली सर्टेन टूल्स डिस्प्ले ए टूल ऑप्शन बार वेयर यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ ए टूल, केवल कुछ टूल के टूल विकल्प बार प्रदर्शित करते हैं जहां आप टूल की सेटिंग बदल सकते हैं, जिसका ये सही है गलत है, ट्रू या फॉल्स है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। 125, द राइट साइड ऑफ द इंटरफेस इज द ऑक्यूपाइड बाय पैनल्स, इंटरफेस के दाएं ओर पैनल का क्या है, इसका ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ट्रू है, कि द राइट साइड ऑफ इंटरफेस होता है ऑक्यूपाइड पैनल होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड के अंदर, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। 126 क्वेश्चन, देयर आर थ्री पैनल दैट आर द विजिबल इन द डिफॉल्ट वर्क स्पेस एनवायरमेंट, थ्री पैनल है जो डिफॉल्ट अगर क्षेत्र वातावरण में दिखाई देते हैं, जिसका ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या ऑप्शन है, ट्रू हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 127 क्वेश्चन, द मैजिक एंड वर्क विद द सेटिंग कॉल टू लेरेंस टू द डिटरमाइन द सेंसिटिविटी लेवल ऑफ व्हाट इज द बीइंग सिलेक्टेड बाय टूल्स, जादू एक सेटिंग के साथ काम करता है जिसे इस टूल द्वारा चुने जाने की संवेदनशीलता के स्तर को निर्धारित करने के लिए लेरेंस कहा जाता है, जिसका ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। मैजिक वन टूल का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सेटिंग के थ्रू हम लोग लेरेंस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं सेंसिटिविटी लेवल में जो चाहे उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मैजिक वन टूल से, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 128 क्वेश्चन, लेयर कैन नॉट बी डिलीटेड वंस दे हैव बीन क्रिएटेड, एक बार परतें बन जाने के बाद उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ये ट्रू या फॉल्स है? ये फॉल्स है, लेयर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहे क्रिएट कर सकते हैं, जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। 128 का बी हो जाएगा। 129 क्वेश्चन, होल्डिंग द शिफ्ट बटन विल वी अलाउ यू टू द एड टू ए इलेक्शन, शिफ्ट बटन दबाए रखने से आप चुनाव के रूप में जोड़ सकेंगे, ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, शिफ्ट बटन दबा के हम लोग किसी भी होल्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 130 क्वेश्चन, ए सिलेक्शन कैन बी मेड विथ एज अ सो मार्किंग मैजिक वंड एंड क्विक सिलेक्शन टूल्स, क्योंकि चुनाव मार्किंग जादू की छड़ी है और त्वरित चयन उपकरणों से किया जा सकता है, ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर हो जाएगा, ये फॉल्स है, ठीक है, चुनाव मार्किंग जादू की छड़ी या त्वरित चयन उपकरणों से नहीं किया जा सकता, ये आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी इसका 130 का आंसर बी हो जाएगा। 131 क्वेश्चन, हुई सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस
सरमुज्ड विद कलर, रंग के साथ रंग सतुप तीन चमक शब्द को प्रयोग किया जाता है, ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक है, यानी कि हम लोग कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं हुई के थ्रू और सिचुएशन के थ्रू और ब्राइटनेस के थ्रू, यानी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, यानी सत्य है, इसका आंसर ए। 132 क्वेश्चन, इन द फोरग्राउंड कलर पिकर बॉक्स देयर आर 7 करेक्टर इन द हेक्साडेसिमल कलर कोड कॉम्बिनेशन। अग्रभूमि रंग भी पिकर बॉक्स में हेक्साडेसिमल रंग कोड को संयोजन में 7 अक्षर है, ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स है, फॉल्स होता है। ठीक है, रंग पिकर बॉक्स में खाली रंग कलर को पिक करता है, यानी कि जो आप कलर सैंपल लेना चाहते हो पिक करके ले सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। 130 का बी आंसर। 133, द लेटर एस की कैन बी प्लेस टू द चेंज द स्किन मोड। स्किन मोड बदलने के लिए अक्षर एस कुंजी को दबाया जा सकता है, इसका ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। एस की दबाने से फ्रेश चेंज स्किन मोड नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 134 क्वेश्चन, ए लेयर दैट इज एक्टिव मस्ट बी विजिबल। ए परत जो सक्रिय है वह अवश्य दिखाई देनी चाहिए, ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये फॉल्स है, यानी कि एक लेयर द एक्टिवेट मस्ट बी विजिबल होता है, दिखाई देता है, यानी कि ठीक है ये फॉल्स है। इसका हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 134 का बी हो जाएगा। 135 क्वेश्चन, ए फोटोशॉप फाइल डॉट phd कैन बी अपलोडेड टू द योर फ्लेकर अकाउंट। ए फोटोशॉप फाइल को डॉट phd को फिल्कर खाते में अपलोड किया जा सकता है, ये ट्रू या फॉल्स है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये फॉल्स है। ठीक है, ये फ्लेकर खाते अकाउंट में नहीं खोल अपलोड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 136 क्वेश्चन, टू चेंज द नेम ऑफ द ऑफ ए लेयर यू कैन द डबल क्लिक ऑन वर्ड्स ऑन द लेयर। किसी परत का नाम बदलने के लिए आप परत पर शब्दों पर डबल क्लिक कर सकते हैं, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है? ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू है, यानी कि परत किसी नाम बदलने के लिए हम परत को यानी कि लेयर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड को, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 137 क्वेश्चन, द फोटोशॉप वर्जन वी आर द करेंटली यूजिंग इन CS5। फोटोशॉप संस्करण हम वर्तमान में CS5 का उपयोग कर रहे हैं, ये ट्रू या फॉल्स है? ये आंसर हमारा फॉल्स है, वर्तमान में अभी इसका आगे चल रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फॉल्स है। 138 क्वेश्चन, द हिस्ट्री पैनल कैन बी फाउंड ओपन फ्रॉम अंडर द विंडो मेन मेनू। इतिहास पैनल को विंडो मुख्य मेनू के अंतर्गत पाया खोला जा सकता है, ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही है, यानी कि इतिहास में हम लोग हिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, खोला और पाया जा सकता है, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 139 क्वेश्चन, वेन यू कॉपी पेस्ट एन इमेज फ्रॉम द वेब इन टू ए फोटोशॉप फाइल ए न्यू लेयर इज मेड। जब हम वेब से किसी छवि को फोटोशॉप फाइल में कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक नई परत बन जाती है, ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है, यानी कि एक लेयर पे हम लोग कॉपी करते हैं तो दूसरा उसका लेयर तैयार हो जाता है, यानी इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, सही है। 140 क्वेश्चन, एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल्स ऑन ए लेयर मीन्स यू कैन द एडिट दैट लेयर। किसी परत पर एस स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल्स का मतलब है कि आप उस परत को संपादित कर सकते हैं, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है? ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 141 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस आर इज द शॉर्टकट फॉर हाइडिंग द शोइंग योर रूलर्स। कंट्रोल प्लस आर आपके रूलर्स को छुपाने दिखाने का शॉर्टकट है, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है? तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। रूलर को हाइड और शो करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं। 41 का आंसर। 42 क्वेश्चन, रूलर ऑफ द थर्ड यूजेस एन 4x4 ग्रिड फॉर द डिटरमाइनिंग वेयर टू द प्लेस डबल फोकल पॉइंट एंड द इमेज। थर्ड का ये नियम निर्धारित करने के लिए 4x4 ग्रिड का उपयोग करता है कि किसी छवि को फोकल बिंदु कहाँ कहाँ रखा जाए,
ये आंसर ट्रू या फॉल्स है, इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर हमारा फॉल्स है, ठीक है, फोकल बिंदु पर रखा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 143 क्वेश्चन, डैश और स्मॉल द स्क्वायर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट द रिफ्लेक्टेड द कलर रेड ग्रीन ब्लू। कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटे वर्ग होते हैं जो लाल हरा नीला रंग दर्शाते हैं, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही है, यानी ये लाल नीला यानी RGB होता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू होता है, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 144 क्वेश्चन, मेनी फोटोग्राफर एंड ग्राफिक कार्ड इन द ट्विश टू से थर्ड रूल ऑफ थर्ड वेन द प्लेसिंग ऑफ द कोर्स ऑफ इंटरेस्ट। कई फोटोग्राफर ग्राफिक कार्ड में रुचि रखते हुए समय तिहाई का नियम लिया जाता है, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ट्रू है, ठीक है, लिया जाता है, ठीक है, ग्राफिक्स का यूज हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा। 45 क्वेश्चन, एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फोटो टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव फॉर इट्स पर्पस। संपादन को उसके उद्देश्य के लिए सबसे प्रभावी बनाने के लिए उसे बदलने की प्रक्रिया है, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है, तो हमारा आंसर यह क्या हो जाएगा ट्रू है, यानी संपादन को उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए हम उसको बदलते हैं, फोटोशॉप में हम लोग जो भी चाहे एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, आफ्टर यू आर द फिनिशिंग मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन यू कमिट द चेंजेस बाय प्रेसिंग द इंटर की। परिवर्तन करने के बाद आप इंटर कुंजी दबाकर परिवर्तन कर सकते हैं, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है, ये आंसर हमारा क्या है सही है, हम लोग इंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं फिर से उसमें कोई भी फिनिशिंग काम कर सकते हैं, यानी फिनिश कर सकते हैं उसको, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, ए लेयर इंक्लूडिंग द थिंग्स सच एज द ड्रॉप शैडो वेवल एंड द एम्बॉस एंड द स्ट्रोक। परत में डैश में ड्रॉप शैडो वेवल एम्बॉस और स्ट्रोक जैसी चीजें शामिल है, ये आंसर ट्रू या फॉल्स है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा ट्रू है, यानी कि हाँ परत में होता है लेयर वो हम लोग शामिल कर सकते हैं, शैडो ड्रॉप जो भी चाहे हम बॉस में ले सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 148 क्वेश्चन, द शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फ्री ट्रांसफॉर्म बॉक्स को सक्रिय करने का शॉर्ट कुंजी क्या है। इसका ऑप्शन है Ctrl+D, Ctrl+T, Ctrl+V, नन, जिसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+T से हम लोग ट्रांसफॉर्म बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 149 क्वेश्चन, द की टू प्रेस इज व्हेन यूजिंग द क्लोन स्टैम्पिंग टूल। क्लोन स्टैम्पिंग टूल का उपयोग करते समय दबाई जाने वाली कुंजी कौन सी है। इसका ऑप्शन है Alt+Shift+Ctrl+None, इसका सही आंसर हो जाएगा Alt की से यूज करते हैं हम लोग क्लोन स्टैम्प को यूज करने के लिए, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 150 क्वेश्चन, द सेटिंग विद द सिलेक्शन टूल दैट अलाउ टू द एज टू बी सॉफ्ट। एक चैन का उपकरण के साथ सेटिंग जो किनारों को नरम कन बनाने की अनुमति देता है, जिसका ऑप्शन है क्या कहलाता है, ठीक है, जिसका ऑप्शन है रेडियस, फीदर, टेलरेंस, नन, जिसका सही आंसर हो जाएगा फीदर का यूज करके हम लोग कोई भी क्या करते हैं हम लोग अलाउ द एज होता है जो फोटो टू हम लोग काट के उसका जो रहता है ऑप्शन उसको हम लोग सही करते हैं, इसका हमारा क्या होता है ताकि वो पकड़ा नहीं जाए कि मतलब कटा हुआ है, इसलिए हम लोग फीदर देके हम लोग काटते हैं किसी इमेज को या किसी इमेज को ड्रैग करते हैं, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो मैंने 100 से स्टार्ट किया था, 150 तक क्वेश्चन मिला, ये 50 क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों, इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 के आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें दोस्तों अपने फ्रेंड को ताकि वो भी आपकी तरह टैलेंटेड हो सकते हैं। अगर आप MCQ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे इस एजुकेशन वर्ल्ड के चैनल पे जाकर प्ले स्टोर वहाँ पे MCQ को ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे MCQ से रिलेटेड बनाया, चाहे इंटरनेट से हो, फंडामेंटल से हो, चाहे लिब्रा ऑफिस से हो, सारा यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।